तो आज हम करेंगे जेबी गुप्ता सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3। बिकॉज देखो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क, ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने सोचा अभी एसी बेसिक्स और नेटवर्क स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज दोनों जो चैप्टर है वो इंटरलिंकिंग है, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत सेम सेम चीज है दोनों में। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन वो थोड़ा ब्लरी है इमेज उनकी, ठीक है, सो बेयर विद इट। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट्स, अब देखो करंट जो सप्लाई होती है आपकी वो दो तरह की होती है, एक तो होता है एसी एक होता है डीसी। ठीक है, एसी मतलब जो आपका अल्टरनेटिंग होता है नेचर में, ठीक है, वो बेसिकली आपका क्या होता है कि टाइम के साथ आपका चेंज होता है। ठीक है, सो ये आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड। सो देखो मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है एसी में, बट आपका जब डीसी की बात आप करते हो तो डीसी में वो कांस्टेंट रहता है, यानी टाइम के साथ आपका वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहता है, सपोज ये आपका टाइम, ये आपका करंट, तो देखो ये वाली आपकी करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड आपका सेम रहता है टाइम के साथ। ठीक है, बट एसी में क्या होता है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है, यानी ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये तो आपका देखो चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो गया और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा आपका डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट करंट में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। करंट इज सेट टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट्स चेंजेज इन, सो मैंने बताया आपको अभी अल्टरनेटिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर 50 हर्ट्ज साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 80 वोल्ट विल बी। सो देखो आपको क्वेश्चन में देखो पहले क्या है, जो चीजें दे रखी है वो लिखो, पीक बोलो इसको या फिर इसको वीएम बोलो मैक्सिमम। ठीक है, ये आपकी होती है 80 वोल्ट, इसने दे दिया आपको। ठीक है, और इसने आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, वो दी आपको 50 हर्ट्ज। क्लियर है इतना? देखो जो जनरल इक्वेशन होती है जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ठीक है, अल्टरनेटर में डीसी जनरेटर में, ठीक है, जितने भी आपके जनरेटिंग सोर्स है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ई, वो आपका होता है ई इक्वल्स टू ईएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये उसकी एक बेसिक इक्वेशन है। सो ई की जगह आप इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख दो, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो बेसिकली आपको है ना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला बताना आपको, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो देखो आपको वी एम आपको दे दिया, कितना दिया आपको 80 वोल्ट। ठीक है, बट आपको देखो ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो नहीं दी। ठीक है, बट देखो क्वेश्चन में आपको देखो टी दे रखा है, ठीक है, हर ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ओमेगा की चाहिए। ठीक है, तो देखो ओमेगा आपका होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, ओमेगा एक आपका होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो 2 इंटू पाई इंटू 3.14, सो ये आपको मिल जाएगा 314। ठीक है, सो ये वैल्यू अगर देखो अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करो तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 80 sin 314 t। समझ गए? सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन, सो देखो आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, सो इसने क्या बोला, इसने व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आरएमएस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तीन चीज बेसिकली आपको पूछी है। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसी अगर मैं आपको देखो जनरल इक्वेशन अगर लिखवाता हूँ, सो वी इक्वल्स टू वी एम साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई, ये फाई आपका होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये आपकी एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये सब आप फंडामेंटल्स ऑफ एसी में पढ़ते हो। ठीक है, अगर अगर आपको डिटेल में जानना है क्या होता है फंडामेंटल्स ऑफ एसी, तो उसके लिए मैंने एक थ्योरेटिकल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको पता चला, देखो वी एम की वैल्यू तो आपकी हो गई 282.24, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हो गई यहाँ से 377। दो चीज समझ गए, दोनों कंपेयर करके आपको मिली। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये कौन सी इक्वेशन आपकी, साइनोसोइडल। ठीक है, अब साइनोसोइडल के लिए आपने आरएमएस वैल्यू निकाली होगी। ठीक है, वो आपकी होती है वी आरएमएस इक्वल्स टू वी एम बाय √2। ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी। सो देखो वी एम की वैल्यू आपको क्या है, 282.24 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोंगे तो ये आपको मिलेगा 199.9 वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो 200 वोल्ट। ठीक है, तो देखो आपकी वी आर एम एस तो निकल गया,
ठीक है, यानी आरएमएस वोल्टेज पूछे तो वो निकल गया। अब आपको निकलनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो देखो आपको ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा का फॉर्मूला देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको, 2πf, ये कितना आपका 377। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी हो जाएगी, 377 डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रोक्स 60 हर्ट्ज आएगा, ठीक है, 60 पॉइंट कुछ आएगा अप्रोक्स, आप इसको 60 हर्ट्ज लिख सकते हो। तो देखो आपका एक तो आरएमएस वोल्टेज आ गया जो आपको पूछा था, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और थर्ड चीज पूछी आपको टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो आपने बेसिक से तो पढ़ा, फंडामेंटल्स ऑफ एसी में तो आपने पढ़ा होगा जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1/f, ठीक है। तो इसमें रखेंगे 1/60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.0167 सेकेंड, क्लियर है। तो देखो कौन सा मैच करे आपका आंसर, 200 वोल्ट, 60 हर्ट्ज एंड 0.0167 सेकेंड। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट इज। सो देखो आपको देखो फॉर्म फैक्टर का अगर देखो कंफ्यूज होता है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता कभी बार, ऐसा अगर हो तो देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता दो। देखो फॉर्म फैक्टर, ठीक है, यही है। सो देखो आप क्या करिए, देखो फॉर्म में देखो ये लास्ट दो वर्ड क्या है आपके, आर एम, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आएगी आपकी आर एम एस वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड में आपकी आएगी दूसरी जो आपने पढ़ी है एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो ऐसे आपको याद रहेगा, बिकॉज देखो आर एम, जैसे आर एम देखोगे आप, आपको याद आ जाएगा कि इसमें ऊपर आता है आर एम एस वैल्यू, ठीक है, और नीचे एवरेज वैल्यू। सो देखो इसने बोलिए साइनोसॉइडल के लिए, ठीक है। सो साइनो सोइडल, ठीक है। सो साइनोसॉइडल के लिए जब आप आर एम एस देखते हो यानी वी आर एम एस, तो वो होता है Vm/√2, ठीक है, और जो वी एवरेज वैल्यू होती है बेसिकली। देखो मेरे को इसका फॉर्म फैक्टर डायरेक्ट याद है और मैं आपको ऑप्शन टिक भी करवा दूंगा, बट इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ कुछ और चीजें भी सीखो आप, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है, आपका रिविजन भी हो जाएगा उसके साथ। देखो वी एवरेज कितना हो जाएगा आपका साइनसोइडल के लिए, 2Vm/π, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू देखो इस फॉर्मूले में रखते हैं तो फॉर्म फैक्टर यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू ये आपका देखो हो जाएगा Vm/√2 इंटू 2Vm ऊपर चला जाएगा और ये पाई नीचे आ जाएगा। एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई है पे, ये हो जाएगा 2Vm और पाई ऊपर आ जाएगा। तो देखो Vm से Vm कैंसिल, तो ये आपके पास ये आया पाई डिवाइडेड बाय 2√2। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.11, ठीक है, आप सॉल्व करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पियर, इट्स पीक वैल्यू विल बी। सो आपको पूछिए पीक वैल्यू, ठीक है। तो देखो किस बात, किसकी वेव, कौन सी वेव है आपकी, साइन वेव, ठीक है। तो देखो साइन वेव के लिए आपने आरएमएस वैल्यू देखी 100 एम्पियर, यानी करंट की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो करंट यानी आईआरएमएस, सो साइन वेव के लिए आईआरएमएस की वैल्यू क्या होती है, Im/√2, ठीक है। तो आपको पूछिए पीक वैल्यू, और यही तो आपकी पीक वैल्यू होती है Im, ठीक है। सो ये आपको बेसिकली निकालनी है। सो यहां से अगर Im की वैल्यू निकालते हो तो कितनी होगी, √2 टाइम्स IRMS, ठीक है। तो यहाँ से देखो Im की वैल्यू कितनी होगी, √2 × 100। सो ये आपका कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये आपका होना चाहिए 141 होना चाहिए, एक सेकेंड देखते हैं। तो 100 × √2, सो ये आपका हो जाएगा 141.4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी वाला, ठीक है। सो देखो इसका मतलब समझो, अगर जैसे देखो आपके घर में कोई शॉक हो जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, कोई वायर वगैरह, और उसको आपने टच कर दिया, तो आपको जो बेसिकली जो करंट का झटका लगेगा वो 100 एम्पियर का झटका नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा 141.4 एम्पियर का झटका लगेगा आपको, ये इसका मतलब है, ठीक है, बिकॉज ये आपका मैक्सिमम है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म शोन इन द फिगर। सो देखो अगर आप इसका देखो, देखो शॉर्टकट सिंपल बताता हूँ, अगर जितनी भी आपकी स्क्वायर वेव होती है, ठीक है। सो देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव, ठीक है, ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव जितनी भी आपकी स्क्वायर वेव है उनकी आरएमएस वैल्यू वो होती है जो उसकी वेव की पीक वैल्यू है, ठीक है। यानी इस केस में देखो इसकी पीक वैल्यू कितनी है 100, यानी इसकी आरएमएस वैल्यू भी कितनी होगी 100, ठीक है, ये आपका बेसिक इसका आंसर होगा। बट फिर भी देखो मैं एक बार आपको
इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल के बताता हूँ, जिससे आपकी देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आरएमएस वैल्यू निकालने की। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है आरएमएस निकालने के टाइम आपको पहले पता होना चाहिए कि उसका साइकिल रिपीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ये जो साइकिल है अगर ध्यान से देखो तो ये जो पाई है, पाई के बाद है ना ये साइकिल आपका देखो वापिस सेम साइकिल बन रहा है। देखो यहाँ से देखो, ये देखो सेम ऐसा ही और यहीं से ऐसा टाइप में आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यानी पाई के बाद आपका साइकिल रिपीट होने लग गया। तो एक साइकिल जब कंप्लीट होता है ये आपका होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखो यहाँ से आपको टाइम पीरियड कितना मिला, पाई। ठीक है, तो आपको देखो इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड मिल गया, तो टाइम पीरियड आपका है पाई, इतना आप समझ गए। तो देखो अब आपकी इसकी निकालनी है आपको आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो देखो वी आरएमएस इक्वल्स टू देखो 1/T यानी टोटल टाइम पीरियड, वो हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, फिर आप क्या करिए ब्रैकेट, फिर देखो अब पहले मैं आपको साइड में देखो इक्वेशन एक बार लिखवाना सिखा देता हूँ। तो देखो वी टी वोल्टेज है इसलिए वी टी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया इस पूरे पोर्शन को डिवाइड कर लिया। तो देखो एक आपका ये वाला पार्ट है इसमें, एक आपका ये वाला पार्ट है, एक आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो तीन पार्ट है टोटल, तो आपकी तीन मतलब इक्वेशन बनेगी। तो देखो वी टी फर्स्ट के लिए आपका है 100 वोल्ट। ठीक है, अब ये 100 वोल्ट कहाँ से कहाँ तक है आपका, जब आप 0 से π/3 तक चलते हो, 0 से π/3 यानी ये पर्टिकुलर इतना सा टाइम। ठीक है, जो सेकंड है आपका -100, अब ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, π/3 से 2π/3 आप देख सकते हो। ठीक है, 2π/3। ठीक है, थर्ड है आपका 100 वोल्ट पॉजिटिव का, और ये आपका है 2π/3 से π/3 सॉरी π। ठीक है, देखो ये इक्वेशन लिखना सीख गए आप। सो अब देखो अब यहाँ पे देखो 0 से π/3 कितना आपका 100। सो आप यहाँ पे क्या करते हो y का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3 से लेके 2π/3 यहाँ पे आ जाएगा -100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा dt अगेन प्लस, अब आपका आ गया लास्ट पोर्शन ये यहाँ पर 2π/3 से π तक, समझ गए इतना। यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू डीटी, और ये आपकी जो कंप्लीट टर्म है ये आपकी रूट में। ठीक है ना, बिकॉज आप आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो, यहाँ तक क्लियर आपका। सो देखो वी आर एम एस यहाँ से आपको कितना मिलेगा, देखो वी आर एम एस इक्वल्स टू 1/π। ठीक है, अब देखो ये भी 100 आपका, ये भी 100, ये भी 100। ठीक है, तो ये जो 100 है बेसिकली देखो ये आपका 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी। ठीक है, उस टी पे फिर लिमिट लगाओगे π/3 -0, तो ये मिल जाएगा आपको π/3। ठीक है, प्लस अब ये देखो ये आपका देखो -100 का स्क्वायर है, तो इसको मैं प्लस का 100 का स्क्वायर लिखू, बिकॉज देखो ये एट द एंड आपको सेम ही मिलना है। ठीक है, बिकॉज देखो -100 का स्क्वायर करो या फिर +100 का स्क्वायर करो वैल्यू आपको एक ही मिलेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे ये लिमिट जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका टी आएगा, फिर टी में लिमिट लगाओगे तो कितनी आएगी 2π/3 -π/3, ये हो जाएगा 2π/3 -π/3। क्लियर रहता। ठीक है, प्लस अब देखो ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें भी आपका क्या 100 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे टी आएगा, टी का इंटीग्रेशन करेंगे बेसिकली 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी मिलेगा, फिर उसमें लिमिट लगाओगे तो आएगा π -2π/3। ये आपका इतना कंप्लीट मिल गया। ठीक है, और ये आपका रूट में। सो देखो यहाँ से आपको वी आर एम एस कितना मिला, वी आर एम एस इक्वल्स टू 1/π। अब देखो 100 स्क्वायर तो मैं कॉमन ले सकता हूँ 100 के स्क्वायर को, तो देखो 100 के स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपका अंदर क्या बचेगा, देखो ये 1π/3, ठीक है, प्लस ये 2π/3 -π/3, ये आपका आया π/3। ठीक है, प्लस ये आपका π -2π/3, ये भी आपका आया π/3। इतना आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो ये कितना हो जाएगा 3π/3, और ये आपका रूट में। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से आपको मिला 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3π/3, और ये आपका रूट में। ठीक है, तो देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, सो आपको मिला 100 का स्क्वायर
रूट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, आरएमएस वैल्यू आपको मिली 100 वोल्ट, ठीक है। और देखो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि जितने भी स्क्वायर वेव है उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो उसकी पीक वैल्यू के बराबर होती है, यानी इसका आंसर हो गया 100 वोल्ट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव विद पीरियड पाई एंड पीक वैल्यू ऑफ पीएम इज। सो देखो फुल वेव बोलिए, ठीक है ना। सो देखो अगर आपकी कोई साइनोसॉइडल वेव है उसकी फुल वेव रेक्टिफाइड, यानी कि ये आपका एक और ये आपका दो, ये आपकी हो गई फुल वेव रेक्टिफाइड वेव, ठीक है। ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ठीक है। तो आपको बोला है ये आपकी है वी एम, इसके लिए आपको बतानी है इसकी एवरेज वैल्यू। सो देखो जो एवरेज वैल्यू होती है फुल वेव के लिए वो होती है 2 Vm/π, ठीक है। जो फुल वेव के लिए होती है वो साइनोसॉइडल के लिए होती है, बिकॉज देखो जो आपकी साइनोसॉइडल है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है, सॉरी इस तरह का वो कर्व होता है, ठीक है, साइनोसॉइडल के केस में। और ये आपका है फुल वेव के केस में, फुल वेव रेक्टिफाइड इनपुट है आउटपुट बेसिकली। सो देखो इसमें क्या होता है कि आपका पाई या आपका 2 पाई। सो देखो अगर आप ओवरऑल साइकिल यानी 2 पाई तक अगर आप देखते हो ना एवरेज वैल्यू, तो आपको मिलती है 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाता है कि साइन के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है फुल साइकिल के लिए वो आपकी होती है 0, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये इतने साइकिल के लिए निकालते हैं, पाई तक साइकिल लेते हैं हम, उसके लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए आपको एवरेज वैल्यू कितनी मिलती है, वी एवरेज इक्वल्स टू 2 Vm/π, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 2/π, ये आपका हो जाएगा 0.637 × Vm। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ 2 एम्पीयर। सो देखो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। तो देखो इसने बोला है हाफ वेव सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है ये कुछ इस तरह की होगी, देखो ये एक, ये आपकी होती है सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, क्लियर था। सो देखो ये टी, ये 2t, ठीक है, ऐसे ये टाइम चलता जाएगा इस साइड, और ये आपका हो गया करंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोला है कि जो ये जो मैक्सिमम करंट है ये तो है 2 एम्पियर, अब इसकी आप आरएमएस वैल्यू बताओ, ये आपको पूछिए, ठीक है। तो देखो इसकी जब आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे, देखो आई आरएमएस, मैं देखो दो तरीका बताता हूँ, एक जो नॉर्मल हम स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं और एक मैं आपको शॉर्टकट बोल सकते हो वो बताऊंगा, ठीक है। तो देखो आई आरएमएस कितना हो जाएगा इस केस में, तो देखो फर्स्ट आपको अगर इक्वेशन अगर आपको लिखनी आती है तो देखो एक ये वाला हो गया आउटपुट, एक ये वाला हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड का कितना हो गया 2t, क्लियर है। तो देखो 1/2t, ठीक है, फिर ब्रैकेट। अब देखो फर्स्ट आप 0 से t तक चलोगे, अब 0 से t तक के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 एम्पियर, यानी 2 का स्क्वायर × dt प्लस दूसरे t से लेके 2t। अब इस केस में आपका आउटपुट क्या है 0, तो 0, ठीक है, × dt, और ये आपकी टर्म रूट में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व किया आपने तो आई आर एम एस कितना मिला आपको, ये हो जाएगा देखो 1/2t, और अंदर ये आपका आ जाएगा देखो 4, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो टी आएगा, फिर टी में लिमिट लगाओगे तो ये टी मिलेगा आपको, तो ये आपका रूट में, ठीक है। तो देखो इस टी से ये टी कैंसिल, ठीक है, ये आपको मिला √2, आपकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी √2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो एक तो आप ऐसे सॉल्व करते हो स्टैंडर्ड के लिए, आप देखो एक सिंपल आप शॉर्टकट बोलो इसको, बट प्रोसेस यही है, इसमें भी यही कर रहे हो आप। तो देखो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी आरएमएस इक्वल्स टू क्या करिए ब्रैकेट, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय जितना आपका टाइम पीरियड है वो लिखिए यहाँ पे, तो टाइम पीरियड आपका 2t, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखिए मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिकली देखो इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2 एम्पियर, तो क्या करिए इस 2 एम्पियर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, या ये जो 2 एम्पियर है ये आपको कितने टाइम के लिए मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 0 से t तक, यानी कि t, क्लियर है इतना। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इसको क्या करिए रूट कर दीजिए। सो देखो ये t से t कैंसिल और ये 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आई आर एस मिल जाएगा √2, ठीक है। सो ये आपका डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ठीक है। देखो अब एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से ये वाला मेथड आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो ये वाला जो मेथड है ये आपका सिर्फ जितनी भी रेक्टेंगुलर वेव होगी ना
उसमें मतलब इस टाइप की जो वेव्स होगी ना उसमें ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सपोज देखो आपके पास कुछ इस टाइप की वेव फॉर्म है, ये कुछ इस टाइप की आपको वेव फॉर्म दे दी, मान लीजिए ये आपके पास वेव फॉर्म है, ठीक है। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि ये जो वेव है इसके लिए आप आरएमएस वैल्यू बताइए। तो देखो इसमें ये है 5, ये 10, ये 15, ठीक है, या फिर थोड़ा वैल्यूज अच्छी ले लेते हैं तो ये ले लो 10, ये ले लो 20, ये ले लो 30, ठीक है। ये सपोज करंट की इक्वेशन है, आई टी और ये आपका टाइम। अब बोला इस वेव फॉर्म के लिए आप आरएमएस वैल्यू निकालो। तो देखो कुछ लोग क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे तो उससे आपका ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखो इसको इजीली मैं आपको देखो लिखना सिखाता हूँ। देखो सपोज आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है इसके लिए, तो आई आरएमएस इक्वल्स टू पहले क्या करेंगे आप ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे डिवाइड में आपको करना है, टाइम पीरियड लिखना है। तो देखो टाइम पीरियड आपका कितना टोटल 6 तक है, यानी 6 सेकंड है, ठीक है। तो ये मैंने 6 टाइम पीरियड नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर आओ देखो ये ब्लॉक्स है ये, ठीक है, एक एक ब्लॉक्स है, ठीक है। तो देखो पहले ब्लॉक में आओ, ये वाले ब्लॉक में, ठीक है। इस ब्लॉक का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 एम्पियर। तो आप क्या करिए पहले 10 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जितनी देर तक आपको ये आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, कितनी देर तक मिल रहा है, 0 से 1 यानी 1 सेकंड के लिए, तो 1 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस करिए, अब दूसरे ब्लॉक में आओ, इस वाले ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक देखो क्या है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना आपका 20 एम्पियर। तो आप क्या करिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कर दिया, अब मल्टीप्लाई। अब ये 20 कितनी देर तक मिल रहा है, ये इतनी देर के लिए मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 2 माइनस 1 यानी 1 सेकंड के लिए मिल रहा है। तो ये आपका हो गया 1 सेकंड से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर अगेन प्लस, अब आपका आ गया देखो ये बड़ा वाला ब्लॉक, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 30 एम्पियर। तो आप क्या करिए 30 एम्पियर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब ये देखो 30 एम्पियर कितनी देर तक मिल रहा है, अब ये इतना टाइम है जितने के लिए आपको मिल रहा है, तो यानी 4 माइनस 2 यानी 2 सेकंड के लिए मिल रहा है। तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर अगेन प्लस। अब देखो फोर्थ ब्लॉक में आ गए, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 एम्पियर। तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितनी देर तक मिल रहा है आपको, 4 से 5 तक, यानी 5 माइनस 4 1 सेकंड के लिए, तो ये हो गया 1, ठीक है। अगेन प्लस, अभी आपका लास्ट ब्लॉक है, ये कितना है, 10 एम्पियर। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कितनी देर तक मिल रहा है, ये 1 सेकंड के लिए, 6 माइनस 5, तो ये 1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए और ये जो पूरी टर्म मेरा ये आपकी रूट में होगी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आपकी आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिक एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, बट ये आपका तभी एप्लीकेबल होगा तब जब आपको इस टाइप की वेवफॉर्म दो, ये जो स्क्वायर वेव्स है ना, इस टाइप की आपको वेवफॉर्म मिली हो तो आप ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, ठीक है, उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर देखो आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ऐसा नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव में पोर्शन नहीं जाना चाहिए, अगर सारा अगर ऊपर ऊपर ही है तो आप इजीली उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2, यानी ए ए आपका आंसर करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखें, द इम्पेडेंस ऑफ द पीएमएमसी वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, अज्यूमिंग दैट द डायोड शोड इन द फिगर बिलो इज आइडियल, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इन वोल्ट। सो देखो ये आपको जो वोल्टमीटर दे रखा है ना, इसकी आपको रीडिंग बतानी है, ठीक है, यानी ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो ये जो वोल्टेज मेजर करेगा वो यही पे तो मेजर करेगा, यानी 100 किलो ओम के अक्रॉस, तो यानी आपको वोल्टेज बताना है 100 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो वोल्ट मीटर है ये आपका इसने बोला है पी एम एम सी है, ठीक है। अब देखो आपके अगर मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है आपने, मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है वो अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें देखो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो होता है मूविंग आयरन, एक आपका होता है मूविंग कॉइल, ठीक है। सो देखो मूविंग आयरन जो होता है ये आपकी आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है, और जो मूविंग कॉइल होता है ये आपकी एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। ये आपको बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। सो देखो अब ये पीएमएमसी है, ये आपकी एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो सप्लाई है इसमें ये वाली जो 14.14 है ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, बी एम, ठीक है। सो आपको क्या चाहिएगी, एवरेज वैल्यू, ठीक है, इतना आप समझ गए। सो देखो यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, ये आप से आप ये साइनोसोइडल सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। तो देखो जब आपका पॉजिटिव साइकिल होगा, ठीक है, तो यानी देखो करंट ऐसे फ्लो होगा और ये आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी, ये आपकी नेगेटिव पोलैरिटी, तो उस केस में ये डायोड किसकी तरह काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है, बिकॉज आइडियल है, इसके लिए इसके अक्रॉस कोई
थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो यानी सारा करंट क्या होगा, देखो यहाँ से करंट कितना जाएगा, सारा 0 एम्पियर, बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट है, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, बैक, ठीक है। ये सिंपल आपका पॉजिटिव साइकिल के केस में, ये तो आप समझ गए। अब चलिए देखिए कि नेगेटिव साइकिल में कैसे काम करेगा। सो देखो अब देखो नेगेटिव साइकिल की बात है, ठीक है। सो देखो नेगेटिव साइकिल जब होगा तब करंट देखो ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, और उस केस में जो डायोड की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, माइनस और प्लस, सॉरी माइनस और प्लस, ये आपकी पोलैरिटी हो जाएगी डायोड की, ठीक है। देखो उस केस में क्या होगा, डायोड एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है, बिकॉज वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट यहाँ से 100 ओम से ऐसे ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका करंट का पाथ होगा, ठीक है। सो देखो पॉजिटिव साइकिल के केस में तो आपको आउटपुट में वोल्टेज क्या दे रहा है, 0, बिकॉज डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया पॉजिटिव के केस में, तो 100 किलो ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है। बट अब चलिए नेगेटिव की बात, यानी ये जो आउटपुट दे रहा है आपको, जो ये वी की वैल्यू देगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये सिर्फ कब देगा, जब आपका नेगेटिव साइकिल होगा, यानी हाफ साइकिल के लिए ये आपको आउटपुट दे रहा है, ये तो आप समझ गए। तो देखो पीएमएमसी एवरेज वैल्यू मेजर करता है, तो पीएमएमसी एवरेज वैल्यू किसके लिए मेजर करेगा, हाफ साइकिल के लिए। तो देखो आपने जो पढ़ा होगा, फॉर हाफ साइकिल, ठीक है, जो हाफ साइकिल होती है उसके लिए, जो साइन वेव में अगर हाफ साइकिल हो तो उसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वी एवरेज इक्वल्स टू वी एम अपॉन पाई, ठीक है। तो देखो वी एम अपॉन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम आपका है 14.14 डिवाइडेड बाय 3.14, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा अप्रॉक्स 4 पॉइंट कुछ डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आपका आएगा 4.50, ठीक है, वोल्ट, ये आपको मिलगी एवरेज वैल्यू। सो बेसिक इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो कि अगर आपका ये कोई 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका डायोड इस केस में ओपन है, ये आपका 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से आपका ये वोल्टेज कितना है 4.5 वोल्ट, ठीक है, ये 1 किलो ओम, और अभी करंट फिलहाल ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह फ्लो हो रहा है, ये आपका है 100 किलो ओम का। सो आपको वोल्टेज क्या फाइंड करना है, इस 100 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये फाइंड करना है, बिकॉज जो पीएमएमसी है वो इसके अक्रॉस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 100 प्लस 1 ये दोनों किलो ओम में, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.46 वोल्ट, ठीक है, अप्रोक्स इतनी वैल्यू आएगी, ये 4.45 आएगी, आपको 4.46 लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी पीएमएमसी कितना रीड करेगा, 4.46 वोल्ट। इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो पीएमएमसी है इसकी पोलैरिटी आप देखो कैसे दे रखी है, माइनस और प्लस, और ये देखो डायोड इस केस में क्या है, माइनस और प्लस, ठीक है, यानी कि ये माइनस ये प्लस, ठीक है, यानी आपको नेगेटिव साइकिल के टाइम ही आपको आउटपुट में पीएमएमसी रीड करके वोल्टेज देगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द यूटी इक्वल टू 3 + 4 cos 3t। सो ये आपको देखो एक सिग्नल दे रखा है, इसकी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखो अगर कोई आपके पास सिग्नल हो, जैसे करंट इक्वल टू कोई वैल्यू है आई नॉट, ठीक है, प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए, ठीक है। तो अगर देखो इस पर्टिकुलर इस करंट की आपको IRMS निकालना है, ठीक है, यानी कि देखो IRMS, ठीक है। अब I0 तो आपके DC कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो देखो RMS में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं वैल्यू का, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया I0 का स्क्वायर प्लस। सो देखो अब ये जो वेव है साइन वेव है, साइन वेव की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, Im/√2, और उसमें Im क्या होता है, उसकी पीक वैल्यू। बट इस पर्टिकुलर अगर इस वेव फॉर्म की बात करते हो, ये जो पर्टिकुलर आपको बनाई है, तो इसमें पीक वैल्यू कितनी है, I1, तो इसकी आरएमएस वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूँ क्या लिखूंगा, I1/√2। सो आपने आरएमएस वैल्यू लिख ली, अब क्या होगा इसका स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज देखो रूट मीन स्क्वायर, ये आपकी क्या होती है आरएमएस की फुल फॉर्म, यानी आप क्या करते हो, एक तो रूट लगाते हो, ठीक है,
फिर क्या करते हो, जो जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी आरएमएस वैल्यू है, उन सबका स्क्वायर करते हो और उन सबको ऐड कर देते हो, यानी उन सबका मीन कर देते हो। ठीक है, तो देखो प्लस, अब सिमिलरली देखो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये भी साइन वेव है, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2/√2। फिर क्या करूंगा, इसका स्क्वायर, समझ गए, और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो IRMS इक्वल्स टू I0² सो प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो I1² प्लस I2² प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट रूट में होगा। सो आपको ना ये वाला फॉर्मूला याद रखना है IRMS का, ठीक है, और ये कैसा है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्लियर है इतना। सो देखो अब देखो इसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको कॉस दे रखा है, ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता आपको साइन दिया है या कॉस दिया है, ठीक है, और चाहे ओमेगा की वैल्यू कोई भी हो, फॉर्मूला आपका यही यूज होगा हर बार। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए देखो मैं आरएमएस वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो VRMS इक्वल टू, देखो पहले क्या करूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या करूंगा 1/2, अंदर किसका स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर, इसका अभी और कोई क्वांटिटी दी नहीं तो वो 0। तो इसको सॉल्व करूंगे तो देखो कितना आएगा ये, सो VRMS इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 16/2, यानी कि 8। सो 8 प्लस 9 कितना होता है आपका 17। तो यहाँ से VRMS कितना मिला आपको, √17। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट इन अ वायर व्हिच कैरीज अ डीसी करंट ऑफ 10 एम्पीयर एंड अ साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पीयर। सो देखो इसको बेसिकली ऐसे समझो, सपोज ये आपको कोई वायर है, इसमें इस क्वेश्चन में बोला ये कोई वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब वो करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक तो 10 एम्पीयर डीसी, ठीक है, प्लस उसके साथ एक साइनोसोइडल करंट फ्लो हो रहा है जिसकी पीक वैल्यू 20 एम्पीयर, यानी देखो पीक वैल्यू 20 एम्पीयर और वो है साइन नेचर का। ये आपका बेसिक करंट की इक्वेशन है। सो ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वायर में। अब आपको क्या करना है, इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन भी लास्ट जैसा ही है, यानी देखो इसमें आईटी क्या दिया आपको, 10 प्लस 20 sin ωt। सो इसकी अगर आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो तो क्या करोगे, देखो 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 20 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा देखो 100 प्लस ये आपका हो जाएगा देखो 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइड बाय 2 यानी 200। तो ये आपको मिलेगा √300, क्लियर है। तो देखो √300 की वैल्यू आपकी होती है 17 पॉइंट, यानी 17.3 एम्पियर। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला, ठीक है। देखो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको करंट की ऐसे वेव फॉर्म दे रखी होती है और आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इन द फिगर द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू। देखो आपको एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे रखी है, इसकी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो देखो पहला स्टेप आपका होता है आरएमएस निकालने के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है, जिसमें एक ही साइकिल अपना कंप्लीट कर ले, और साइकिल होता है जैसे ये वेव फॉर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो आप देखो ये टी पे, इस टी पे, ठीक है, और यहाँ पे एक ओरिजिन पे देखो, तो देखो ओरिजिन से जैसी वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एकदम जैसी वेव स्टार्ट हो रही है वैसी की वैसी देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यानी सेम रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से आपको पता चलेगा इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टी, बिकॉज टी से ये रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखो इसका टाइम पीरियड हो गया टी, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसकी आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखो इसमें कितने पार्ट है, एक तो ये रहा, ठीक है, ये पर्टिकुलर वेव फॉर्म जो है, ठीक है, बाकी जो दूसरा जो है ये आपको 0 आउटपुट है इसमें, इस केस में, क्लियर है। सो देखो अगर मैं इस वेव फॉर्म की इक्वेशन लिखना चाहूँ, देखो कैसे लिखूंगा, वी टी इक्वल्स टू, अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये देखिए। सपोज देखो ये आपकी इसमें दे रखी है जिस टाइप की लाइन है, ये वाली बेसिकली, ठीक है। सो इसमें देखो ये वाला कोऑर्डिनेट्स और ये वाले कोऑर्डिनेट्स,
ये वाला तो आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, तो उससे से ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो और जीरो, ठीक है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या हो जाएंगे आपके, टी बाय टू और 1 एम्पियर, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स हो गए टी बाय टू एंड 1, क्लियर है इतना। तो ये आपका है एक्स वन वाई वन, ये आपका एक्स टू, ये आपका वाई टू। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो आपकी होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, बट ये सिंस ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए सी की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब देखो वाई वाई एक्सिस पे आपको क्या दे रखा है इसने, वोल्टेज। सो वी टी यानी वोल्टेज इक्वल्स टू एम यानी क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या एक्स। अब देखो एक्स एक्सिस पर आपको क्या दे रखा है टाइम टी, तो ये हो गया आपका टी, इतना क्लियर है। अब देखो वाई टू और वाई वन की वैल्यू पुट करते हैं, देखो वी टी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, वाई टू की वैल्यू कितनी है 1, वाई वन की 0 डिवाइडेड बाय एक्स टू की टी बाय टू, एक्स वन की 0 मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ से आपको वी टी देखो कितना मिला 2 बाय कैपिटल टी इंटू टी, ये आपको वी टी मिला, ठीक है। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 बाय टी इंटू टी, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसके लिए मिली है, ये इतने से पोर्शन के लिए मिली है, ठीक है। तो ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी बाय टू तक। तो 0 से टी बाय टू तक जो टाइम है उस टाइम में आपको आउटपुट मिल रहा है 2 बाय टी इंटू टी, ठीक है। दूसरे केस में क्या मिल रहा है आपको, यानी ये वाला जो मिल रहा है ये आपको 0 मिल रहा है, सो 0। ये कहाँ से कहाँ तक है, टी बाय टू से टी तक, इतना आप समझ गए। अब देखो इसकी सिंपल आर एम एस वैल्यू निकालते हैं, देखो वी आर एम एस वन अपॉन टाइम पीरियड, कितना अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी, सो वन अपॉन टी, ठीक है। फिर देखो ब्रैकेट, अब देखो फर्स्ट जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से टी बाय टू तक, तो 0 से टी बाय टू, अभी आप वैल्यू रखेंगे 2 बाय टी इंटू टी, इसका आप क्या करेंगे कंप्लीट का स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, प्लस दूसरा पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है टी बाय टू से टी तक, इसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी, याद है आपका, क्लियर है। और ये टर्म जो है आपकी रूट में, ठीक है ना, ये आपका क्लियर होगा यहाँ तक। तो देखो इसमें वी आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू 1 बाय टी, ठीक है। अब देखो इसमें 2 ये 2 और नीचे वाला जो टी है कैपिटल टी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका स्क्वायर करके मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये जगह देखो 4 बाय टी का स्क्वायर, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर डॉट डी टी, इसकी लिमिट होगी 0 से टी बाय टू, और ये आपका कंप्लीट रूट में, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। सो देखो जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो ये आपका आता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है टी, तो टी की पावर टू है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सो 1 बाय टी ये हो गया 4 बाय टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इसकी लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी, लिमिट आपकी 0 से टी बाय 2 तक, और ये टर्म आपकी है रूट में, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखो यहाँ से ये वी आर एम एस वैल्यू कितनी होगी आपकी, वी आर एम एस इक्वल्स टू 1 बाय टी मल्टीप्लाई 4 बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, एक सेकेंड ये 1 बाय टी है ना, क्लियर है। सो देखो इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा टी क्यूब, देखो ये जो 1 बाय 3 है ये कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले इसको, फिर ये क्या हो जाएगा देखो टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, यानी टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, और ये आपका कंप्लीट रूट में। सो देखो इसको सॉल्व करो ये कितना होगा, तो देखो टी स्क्वायर और ये दोनों टी क्यूब हो जाएंगे, तो ये टी क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है इतना। तो देखो ओवरऑल यहाँ से आपको रूट में क्या मिला, सो रूट 4 बाय 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपको बेसिकली मिला, ठीक है। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और 2 मिला, अगेन ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ओवरऑल नीचे आपको क्या मिला रूट 1 बाय 6,
यानी इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, √1/6, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो जो दूसरी और भी कुछ साइनसोइडल ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होती है, तो कौन सी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास ऐसी वाली अगर वेवफॉर्म दे दे, ठीक है, और ये टी टाइम पीरियड है 0 से T, ठीक है, और ये आपकी इसकी है आई एम वैल्यू, तो इसके लिए जो आपकी आर एम एस वैल्यू आएगी वो आएगी आई एम बाय √3। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो। और सपोज कोई ऐसी वेवफॉर्म हो कुछ इस टाइप की, ठीक है, ये टी 2T इस टाइप की हो और ये इसकी आई एम वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी भी जो आर एम एस वैल्यू आएगी वो होगी आई एम बाय √3। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म्स है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आर एम एस वैल्यू ऑफ द पेरियोडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर। सो देखो ये आर एम एस वैल्यू बतानी है इस पर्टिकुलर फिगर की, ठीक है, एक वेवफॉर्म दे रखी है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, तो देखो कहाँ से ये वेवफॉर्म रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो देखो टी के बाद जो वेवफॉर्म है आपकी जो आई है आपके पास, ठीक है, ये सेम आपके ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी ऐसी, तो यानी टी के बाद रिपीट होने लग गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड तो मिल गया, टाइम पीरियड आपका हो गया टी। ठीक है, अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब ये देखो सिंस क्या ये करंट है, ठीक है, आई, तो ये करंट हो जाएगा आई टी इक्वल्स टू, अब इसमें देखो टी तक यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपका ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, एक आपका ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट देखो, ये आपका क्या है टी बाय टू और माइनस का 6 एम्पियर, ठीक है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपके क्या है 0 और 0, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू x1 y1 और ये आपकी हो जाएगी x2 y2। ठीक है, अब सिंपल आप देखो इक्वेशन आपको पता है y=mx, ठीक है, अब सिंस ये ओरिजिन से इसलिए c की वैल्यू आपकी 0 हो गई, और y एक्सिस पे आपका है करंट यानी i, अब m की वैल्यू रखोगे y2 - y1, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही आपका, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन निकाली थी वैसे इसमें निकलेगी। ठीक है, अब x की जगह t आ जाएगा बिकॉज x एक्सिस पे इसने टाइम को दे रखा है। तो देखो सारी वैल्यूज पुट करो, तो देखो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी आपकी -6, तो -6, ठीक है, फिर -y1 की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है आपका t/2, x1 क्या है 0 अब इनटू t, तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -12, ये आपकी हो जाएगी देखो -12 डिवाइडेड बाय टी इंटू टी। ठीक है, ये आपकी होगी इस पर्टिकुलर इस वाले पोर्शन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये वाले जो पोर्शन है ये ब्लॉक है सिंपल, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सिंपल 6 एम्पियर, बिकॉज देखो ये सिर्फ था मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ ये 6 कैसे होगी। देखो फर्स्ट क्या ये 12/t × t, ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है आपका 0 से t/2 तक, तो 0 से t/2 तक, ठीक है, सेकंड आपका आएगा 6, और ये कहाँ से कहाँ तक आपका होगा योगा t/2 से लेके t तक। ठीक है, अब देखो ये 6 मैंने कैसे लिखा, सपोज देखो ये आपकी कोई ऐसी वेवफॉर्म है सिंपल, ये आपकी y एक्सिस ये आपकी x एक्सिस, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला कोई ऐसे लाइन खींच ली और मैंने बोला ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये आपका b, तो इस केस में आप y की वैल्यू क्या लिखोगे y=b। ठीक है, अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या है, इस y की जगह क्या है करंट है i, ठीक है, और x की जगह है टाइम, तो इस केस में अगर और ये जो b है इस b की जगह इस क्वेश्चन में 6 है, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो गई 6। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने यही किया है, ठीक है, तो इस वजह से वो 6 एम्पियर हुई। तो देखो आपकी करंट की इक्वेशन तो आपने लिख ली, अब आपको निकालनी आर एम एस वैल्यू, तो देखो आई आर एम एस इक्वल्स टू 1/ टोटल टाइम पीरियड कितना आपका टी, फिर देखो ब्रैकेट, अब देखो फर्स्ट लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे 0 से t/2 तक, तो इसकी वैल्यू देखो रखेंगे -12/t × t, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा (dt) प्लस सेकेंड पार्ट क्या है आपका (t/2 से t) तक, और ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है ना, यहां तक आप समझ गए। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अब, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू 1/t ब्रैकेट, अब देखो इसमें ये जो 12 और t है ये तो कांस्टेंट है,
तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा देखो 144 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। अब अंदर आपका बचेगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी आपको टी स्क्वायर मिला था, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, आया था आपका टी क्यूब बाय थ्री, तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। अब इसमें लिमिट आपको लगानी है 0 से टी बाय 2 तक, क्लियर है यहाँ तक। प्लस अब देखो यहाँ पे ये 6 कॉन्स्टेंट है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। अब आपके अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है बेसिकली जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ वही होगा। अगर आप dx लिखा होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता x, और dt लिखा हुआ था उसका इंटीग्रेशन हो जाता t। तो इस केस में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। अब t की लिमिट लगाएंगे तो होगी टी बाई 2 से टी तक, क्लियर रहता। ब्रैकेट क्लोज, और ये कंप्लीट आपका रूट में। सो यहां से देखो आई आर में कितना है आपके पास, ये हो गया 144 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हो, देखो ये 1/3 है ना, ये कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेता हूँ। अंदर आपका क्या बचेगा, टी की पावर बेसिकली टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, यानी देखो टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, याद है, क्लियर है। प्लस अब इस वाली टर्म में क्या हो जाएगा, देखो 36। अभी देखो इसमें लिमिट करूंगा तो क्या होगा, टी माइनस टी बाई 2, तो ये हो जाएगा इंटू टी बाई 2, याद है आपका, क्लियर है। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये टी स्क्वायर है, इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक टी बचेगा, क्लियर है इतना। बाकी देखो ये इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो अभी ये क्या हो गया आपका 1/t, अंदर आपका बचा देखो 144 t डिवाइडेड बाय, अब देखो ये है 2 की पावर 3, यानी 2 2 4 4 2 8, और फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 8 3 24, ये आ गया आपका स्प्लिट। और सेकंड टर्म आई 36 t डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका रूट में, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 144 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है। तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हो, आई आर एम एस इक्वल्स टू, अब देखो ये जो टी है, देखो इसमें भी आपका टी है, ठीक है, और इस वाली टर्म में भी टी है, तो मैं टी कॉमन ले सकता हूँ ना, कॉमन लूंगा फिर इससे काट लूंगा ये बार वाली टी से, ठीक है। तो आपके ओवरऑल अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 36 बाय 2, ठीक है। तो देखो 144 को जब 24 से डिवाइड करते हो तो ये आपका आता है 6, ठीक है, और जब आप 36 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका आता है 18। तो इन दोनों को ऐड करो, ये कितना आएगा आपका, तो 18 प्लस 6 ये आपका आ जाएगा 24 रूट में, ठीक है। अब 24 रूट में, अब देखो 24 तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है, तो यानी आप 24 को किसी अलग वे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 24 को अगर देखो तो 2 into 2, ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको 6 से, तो देखो 2 2 4, ठीक है, फिर 4 6 24, ठीक है, यही आएगा, तो रूट में 24 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये जो 2 है, 2 into 2, ठीक है, ये आपका बाहर हो जाएगा, एक सिंगल 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 6, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2√6, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कभी एक बार इवन आपका आंसर आ जाएगा बट आपको लगेगा कि इनकरेक्ट है, बट आपको उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो आपका जाके आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्टिकुलर करंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, 10 एम्पीयर डीसी एंड अ साइनोसोइडल करंट ऑफ पीक वैल्यू 14.14 एम्पीयर, द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इज। देखो सिंपल है, एक कोई करंट है, इक्वेशन दी है आपको कि 10 एम्पीयर है प्लस 14.4 साइन ओमेगा टी, ये बेसिकली इस टाइप में दिया है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पूछा है कि जो रिजल्टेंट डीसी करंट है, बेसिकली रिजल्टेंट जो एवरेज वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो ऐसे कोई भी अगर इक्वेशन देना आपको जो वो वाली कंपोनेंट जिसके साथ साइन ना हो, ठीक है, वो आपकी होती है एवरेज वैल्यू, ठीक है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट इज 100 रूट टू कॉस पाई कॉस 100 पाई टी वोल्ट्स एंड द सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 रूट टू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4 एम्पियर। टेकिंग द वोल्टेज एज द रेफरेंस फेजर द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट इन एम्पियर इज। सो आपको इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन बताना है। देखो फर्स्ट आपको जो वोल्टेज की इक्वेशन दी वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये आपको देखो दी है 100 रूट टू ठीक है कॉस 100 पाई टी और दूसरा जो है करंट वो आपको इक्वेशन दी है 10 रूट टू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ये बेसिक आपको दो इक्वेशन दे रखे ठीक है। सो देखो इसमें आपको कैसे निकालना चाहिए। देखो फर्स्ट आप क्या करिए जो क्वाड्रेंट वाला आपका डायग्राम होता है वो बनाइए ठीक है। ये इस टाइप का कुछ होता है। यहाँ पे आप लिखिए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आप लिखिए माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आप लिखिए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे आप लिखिए माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। अब देखो जो फर्स्ट वोल्टेज की इक्वेशन है वोल्टेज में आपको क्या दिया इसने कॉस ठीक है। अब ये जो ओमेगा टी है ना इसका बेसिकली मतलब क्या है इसकी बात हो रही है ठीक है। बिकॉज देखो दोनों में ही क्या है 100 पाई टी और 100 पाई टी ठीक है। तो देखो ये जो वोल्टेज वाली इक्वेशन है इसमें क्या बोला है कॉस ठीक है। यानी कॉस का है पॉजिटिव का कॉस है सो यानी कि ये वाला कॉस। अब इसमें कोई इसने फेज डिफरेंस नहीं दिया तो ये तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वोल्टेज ठीक है। अब देखो करंट में आओ, करंट में देखो आपको क्या दिया प्लस का साइन ठीक है। तो पहले साइन पे आओ, ये वाला साइन ये रहा ठीक है। तो यहाँ पे आप आ गए ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि प्लस का पाई बाय 4। सो देखो जब भी आपको ऐसे प्लस दिया हो ठीक है तब आप क्या करिए एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नेगेटिव दे तो आप क्लॉकवाइज चलिए। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। देखो पाई बाय 4 आपका कितना होगा पाई बाय 4 यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। सो ये जो है साइन पे आ गए बिकॉज देखो इसमें साइन बोला था तो आप साइन पे तो आ गए। अब यहाँ से आपको चलना है प्लस में पाई बाय 4 यानी प्लस में 45 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ ये आप चल गए 45 डिग्री ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन खींचो। अब ये आपका हो जाएगा करंट ठीक है जिसमें ये है आपका 45 डिग्री। अब देखो ये पूरा 90 डिग्री होता है ठीक है। तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि जो वोल्टेज है ठीक है वोल्टेज वो करंट से क्या है 45 डिग्री आगे है ठीक है। तो ये तो लैगिंग की बात चल रही है ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है टेकिंग द वोल्टेज रेफरेंस द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट इन एम्पियर इज ठीक है। आपको करंट का फेजर रिप्रेजेंटेशन बताना है। अब देखो ये जो फॉर्म्स दे रखी है आपको क्वेश्चन में ठीक है ये सारी जो फॉर्म्स है ना ये सारी आपकी पोलर फॉर्म कहलाती है। अब पोलर फॉर्म में ये वाली जो वैल्यू होती है ना ये ठीक है ये वैल्यू आपकी आरएमएस वैल्यू होती है पोलर फॉर्म में। अगर आपने बेसिक्स अगर पोलर फॉर्म जब पढ़ी होगी तो आपने पता होगा आपको कि जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें ये जो वैल्यू होती है ये मैग्नीट्यूड ये आपकी आरएमएस वैल्यू ली जाती है यहाँ पे ठीक है। तो जो आपको देखो करंट की इक्वेशन है उसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 इंटू रूट टू ठीक है। तो इसकी अगर आरएमएस वैल्यू में निकालता तो कितनी होगी आई आरएमएस इक्वल टू 10 रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू बिकॉज जो साइन वेव होती है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है वीएम बाय रूट टू। तो ये आपकी आ जाएगी 10 ठीक है। अब 10 आ गई। अब आपको लिखनी है इसकी फेजर फॉर्म में इक्वेशन। तो देखो 10 तो इसका मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया। अब आपको लिखना है एंगल। अब इसने बोला है कि जो वोल्टेज है उसको रेफरेंस मानना है यानी कि आप ऐसा सोचो आप यहाँ पे बैठे हो ठीक है। अब यहाँ से आप करंट को देखोगे तो कैसा लगेगा आपको कि करंट 45 डिग्री आपसे पीछे है ना 45 डिग्री पीछे है यानी कि आप यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ देखोगे ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो क्लॉकवाइज यानी कि क्या आएगा माइनस का पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4 या फिर माइनस का 45 डिग्री भी बोल सकते हो ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If two sinusoids of the same frequency but of different amplitude and phase difference are added, the resultant is a. So, देखो दो आपके पास sinusoids हैं, ठीक है? कोई भी दो equation हो सकती है, दोनों sinusoidal equation है और दोनों की frequency same है, ठीक है? और but जो phase difference है दोनों के बीच में वो अलग है ठीक है। तो उनका जो resultant होगा ना वो भी आपको sinusoid ही मिलेगा और उनकी frequency भी same ही मिलेगी ठीक है। तो ये option आपका correct answer होगा।
Which of the following statement pertains to resistors only? देखो आपके एलिमेंट एक तो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, एक आपका होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। ये जो रेजिस्टेंस है ना ये आपकी एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। और बाकी ये जो दो एलिमेंट है ना ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है, ये स्टोरिंग एलिमेंट कहलाते हैं। तो रजिस्टर क्या करेगा, सिर्फ एनर्जी को डेसिपेट करेगा या फिर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट तो गलत है रजिस्टर के लिए, ठीक है, सेकंड भी गलत है, एनर्जी स्टोर नहीं है, बस ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, द पी एवरेज इज जो पावर होती है रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है, उसकी बात कर रही है। तो देखो सिंपल, आप अगर पावर की बात करते हो पी एवरेज, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, वी आई कॉस फाई, ठीक है। अब इसने बोल दिया सिंपल ये क्या है, रेजिस्टिव सर्किट है, तो रेजिस्टिव सर्किट में कॉस फाई तो आपको क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो यहां से आपको मिला पी एवरेज का फॉर्मूला वी इंटू आई, क्लियर है। अब देखो ये जो वी आई जो होता है ना ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब सिंस देखो आप सप्लाई में तो क्या दे रहे हो, एसी दे रहे हो यानी साइनसोइडल सप्लाई दे रहे हो, तो ये जो आरएमएस वैल्यू है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो वी एम बाय रूट टू इंटू आई एम बाय रूट टू, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, देखो वी एम आई एम बाय टू, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन अ प्योरली रजिस्टर्ड सर्किट द एवरेज पावर यानी पी एवरेज, ठीक है, इज डैश पीक पावर ऑफ पी मैक्सिमम। सो देखो अगर आप पी मैक्सिमम निकालते हो, पी मैक्सिमम, तो वो आपको कैसे मिलेगी, वी मैक्सिमम और आई मैक्सिमम का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि ये जो पावर है ये आपकी कौन सी हो गई, पी मैक्सिमम। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि रजिस्ट्री सर्किट में जो पी एवरेज होती है वो होती है पी मैक्स की आधी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन हाफ, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ बॉयलर एट होम इज स्विच ऑन टू एसी मेन सप्लाइंग पावर एट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम इज। सो देखो एसी सप्लाई दे रहे हो आप, सो देखो आपके घर में जो सप्लाई आती है वो क्या आती है, साइनोसोइडल सप्लाई। सो देखो वो कुछ इस तरह की होती है, ये आपका कुछ करंट होता है, ठीक है। अब देखो इस करंट की, सॉरी ये आपका है वोल्टेज, ठीक है। अब इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो ये आपका करंट फ्लो हो गया, ठीक है। अब आप जो टाइम पीरियड होता है वो क्या लिखते हो, ये आपका कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये आपका हो गया टी, ठीक है। अब देखो ये आपका है करंट और ये आपका वोल्टेज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या देता है, पावर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कुछ पावर मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब ये भी नेगेटिव की वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी आपकी पावर, ठीक है। तो यानी पावर के केस में जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया आपका, आधा हो गया ना, बिकॉज देखो पहले जो टाइम पीरियड था वो था कंप्लीट टी, बट आप किसके लिए देख रहे हो, इस पावर के लिए देख रहे हो, ठीक है। इस पावर के लिए टाइम पीरियड आपका आधा हो गया, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड। सो अगर टाइम पीरियड अगर आपका आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल, ठीक है। यानी कि अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई तो पावर की कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम 1 किलो वॉट इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन एनर्जाइज्ड बाय अ 230 वोल्ट वन फेज एसी इज, तो आपको क्या पूछा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इसने बोला रेजिस्टेंस हीटर, ठीक है ना, सो लेट्स से ये आपका है रेजिस्टेंस का, बेसिकली हीटर है जो सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट है। इसमें देखो आप सप्लाई दे रहे हो 230 वोल्ट, ठीक है, और इसने क्या बोला है कि जो पावर है यानी कितनी है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, तो आपको बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये आपको पूछा बेसिक, ठीक है। सो देखो जो पावर है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। सो देखो एक और फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। तो आप देखो ये जो V इंटू आई वाला फॉर्मूला है
ये यूज करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, ठीक है। तो पावर आपको इसने बोली है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट डिवाइडेड बाय 230, तो ये आपका कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, फिर 100 को 23 से डिवाइड करो, तो 100 डिवाइडेड बाय 23 ये आपका आएगा 4.34 एम्पियर, ठीक है। अब देखो करंट आपको मिल गया, अब आप क्या करिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है, सिंपल। तो देखो पावर कितनी है 1000 वाट, तो 1000 = 4.34 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1000 / 4.34 × 4.34 यह आपका आ जाएगा 18.83, ठीक है। सो 1000 / 18.83 यह आपका आएगा 53.106 ओम, ठीक है। सो ऑप्शन तो देखो ये वाला है नहीं, तो इसको अप्रोक्स आप लिख सकते हो 52.9 ओम, तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू लैंप ईच ऑफ 230 वोल्ट एंड 60 वॉट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई, द टोटल पावर कंज्यूम बाय द टू लैंप वुड बी, देखो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है। देखो मैं सीरीज में दो लैंप कनेक्ट करता हूँ, ये आपका एक लैंप, ये आपका दूसरा लैंप, ठीक है। सो देखो इसमें क्या बोला है, जो दोनों की रेटिंग कितनी है, 230 वोल्ट और 60 वॉट, ठीक है। ये आपका है 230 वोल्ट और 60 वॉट, ये भी है 230 वोल्ट और 60 वॉट। फिर इसने क्या बोला आगे कि इसको सप्लाई दे रहे हम 230 वोल्ट की, ठीक है। तो इसने बोला द टोटल पावर कंज्यूम बाय द टू लैंप वुड बी, सो देखो जब भी आपके बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पावर होती है टोटल पी, वो आपकी होगी P1 × P2 / P1 + P2, और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो टोटल पावर होगी वो होगी P1 + P2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आप, बिकॉज कैलकुलेशन करोगे उसमें आप पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर इंडिविजुअल पावर निकाल के फिर उनको ऐड करोगे, तो वो बहुत लेंथी रहेगा। डायरेक्ट आप ये करो सॉल्व, तो देखो 60 × 60 / 60 + 60 यानी 120, ये आपको मिल जाएगा 30 वॉट, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करंट वेव फॉर्म एज शोन इन द फिगर इज अप्लाइड इन अ प्योर रेजिस्टिव ऑफ 10 ओम, व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर। सो देखो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की कोई भी ट्रायंगुलर वेव हो, ठीक है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, Im/√3, ठीक है। अब इस केस में Im कितना दिया है, 9 एम्पियर, तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो इसकी IRMS हो जाएगी 9/√3, ठीक है। बिकॉज देखो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इतना सा 3 के बाद ये वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, टाइम पीरियड आपका हो गया 3, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन आपको लिखवाना चाहूँ तो देखो ये कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, 3 और 9, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और 0, ठीक है। अब सिंपल आप क्या करिए, y = mx करिए, y की जगह आप लेंगे करंट यानी i, m की जगह रखेंगे y2 − y1 / x2 − x1 × t, याद है, क्लियर है। सो देखो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हुई, y2 कितना आपका 9 − 0, x2 कितना आपका 3 − 0 × t, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया ये 3t, ठीक है। तो देखो आपको करंट की इक्वेशन भी मैंने बता दी, अब आप आर एम एस वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगर मैं निकाल भी लेता हूँ तो IRMS आपका हो जाएगा, देखो 1 / टाइम पीरियड कितना है 3, अंदर आपका हो जाएगा देखो 0 से 3 तक, और ये हो जाएगा 3t² × dt, क्लियर है, ये आपकी रूट में। तो देखो यहाँ से IRMS कितना आएगा, 1/3, ये हो जाएगा आपका 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा t², तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा t³/3, इसमें आप लिमिट लगाओगे 0 से 3, तो देखो ये आपका हो जाएगा IRMS = ये टर्म रूट में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा देखो 1/3 × 9
इंटू, अब देखो इसमें जब लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये एक 3 तो नीचे है ही है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 कैंसिल और ये 3 इससे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपकी IRMS जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 9 3 जा, यानी कि IRMS इक्वल्स टू, ये देखो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, तो √27 आपकी IRMS वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर इसको सॉल्व करते जो मैंने बताई थी कि 9/√3, ठीक है, तो 9/√3 देखो किसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी, देखो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3। अब ये जो है 3, इसको क्या लिख सकते हो, 3 जैसे √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय √3, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आई 3√3, ठीक है। अब ये जो √27 आया इसको आप देखो थोड़ा फर्दर होकर कैसे लिखना चाहो, तो देखो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 3 इंटू 3 9, और 9 3 27, तो यहाँ से देखो 1 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1 3 आपका रूट में रहेगा। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि इस वेब फॉर्म की RMS वैल्यू आएगी IM/√3, ठीक है। तो IM की वैल्यू थी 9 एम्पियर और नीचे √3, तो एट द एंड देख लो रिजल्ट दोनों केस में सेम मिल गया, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था √3 IM/√3 आएगा। तो देखो इसमें क्या बोला है, कोई रेजिस्टेंस है ऐसा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10 ओम, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, जिसकी हमने RMS वैल्यू निकाल दी। अब इसमें बोला है इसमें पावर कितनी डिसिपेट हुई है, तो देखो पावर क्या होती है, I² × R, ठीक है। तो देखो आई की IRMS की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3√3, ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर इंटू 10 ओम, तो देखो पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 3 9, ठीक है, ये 3 हो जाएगा इंटू 10, सो 9 3 जा 27, 27 × 10 270 वॉट, यानी आपकी ये रेजिस्टेंस है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 270 वॉट, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब देखो जो सर्किट होता है इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव, ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कंज्यूम सम पावर ऑन एवरेज, गलत है, बिकॉज जो इंडक्टिव सर्किट होता है वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। बी क्या है, डज नॉट कंज्यूम पावर, ये सही हो सकता है, ठीक है। देखो सी क्या है, टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ साइकिल एंड देन रिटर्न बैक ड्यूरिंग अदर पार्ट ऑफ हाफ साइकिल, सो देखो ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो इंडक्टिव सर्किट होता है वो सप्लाई से पावर लेता है, ठीक है, एक कुछ पर्टिकुलर साइकिल के लिए, फिर जो नेक्स्ट साइकिल आता है उसमें ये पावर बैक वापस कर देता है, बट वो पावर खुद के पास कुछ भी नहीं रखता, मतलब वो कंज्यूम कुछ भी नहीं करता पावर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखो इसमें किसकी पूछी है, रिएक्टेंस, ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में गलती मत कर देना, इसने पूछी रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस की होती है ओम, अगर सिर्फ ने इंडक्टेंस की पूछी होती एल की तो आपकी हो जाती हेनरी, समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो थैंक यू वेरी मच।